बेटी के लिए सबसे ज्यादा सोचती है। माँ के लिए भले ही वो बेटी हो या फिर बेटा हो, उसके बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं। माँ भगवान का दूसरा रूप कही जाती है। अगर माँ अपने बच्चों को लेकर जब परेशान होती है, तब वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो इस परेशानी को दूर कर सके। और ये बेहद ही दुखद होता है जब वो माँ परेशान हो जिसकी तबीयत बेहद ही नाजुक थी। हम यहाँ पर एक ऐसी ही अदाकारा का जिक्र कर रहे हैं जो आखिरी वक्त तक अपनी बेटी को लेकर चिंता में रही, अपनी बेटी को लेकर परेशान होती रही। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। माँ और बेटी का रिश्ता सबसे अनोखा होता है, क्योंकि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, तब माँ माँ तो रहती है, मगर वो एक खास सहेली बन जाती है जिसके साथ बेटी अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे लम्हों को शेयर करती है, जिसके साथ बेटी जो है तमाम चीजों को जिक्र करती है, तमाम बातों को अपनी माँ से यहाँ पर शेयर करती है। मगर जब माँ ही इस दुनिया से चली जाती है, तब उस बेटी पर क्या गुजर रहा होगा हम शायद अपने शब्दों में बयान ना कर पाए। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत दीवा की जिन्होंने बीते दिनों ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और वो खूबसूरत अदाकारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में रजनीकंदा फिल्म से फेमस हुई विद्या सिन्हा थी। जी हाँ, विद्या सिन्हा। 15 अगस्त का वो दिन रहा जब विद्या सिन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जरा सोचिए क्या कुछ गुजर रही होगी उस बेटी पर जिसपे पहले ही पिता का साया नहीं था, और जब माँ का साया छीन लिया गया तब वो बेटी एकदम सी बौखला गई। विद्या सिन्हा बेहद ही खूबसूरत अदाकारा थी। विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई फिल्मों में काम किया, तो वहीं टीवी टाउन में भी तमाम सीरियल में विद्या सिन्हा दादी का किरदार निभाती देखी गई। और इनकी खूबसूरती से लेकर इनके टैलेंट पर हर वक्त चर्चा की जाती थी। मगर क्या आप जानते थे, जो विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम फिल्मों में काम किया, एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उनके पास पैसे तक नहीं थे। कहते हैं, आपने अक्सर ये कहावत को सुना होगा कि उगते सूरज को हर एक शख्स जो है सर झुका के नमस्कार करता है, मगर जब सूरज ढलता है तब हर एक शख्स उस सूरज को देखकर मुंह मोड़ लेता है। विद्या सिन्हा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो काम कर रही थी, तब तमाम सुपर डुपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया, तमाम बड़ी फिल्मों में भी वो काम करती देखी गई। सलमान के साथ फिल्म बॉडीगार्ड में भी उन्होंने काम किया। मगर विद्या सिन्हा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान आप सभी को लगती होगी। विद्या सिन्हा के पहले पति का जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब उन्होंने अपने दूसरे पति से शादी की, यानी कि एक शख्स को उन्होंने अपना दूसरा पति बनाया और उसका नाम जो था वो सालुंके था। मगर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो सम्मान उन्हें उस शख्स से नहीं मिल पाया और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। विद्या सिन्हा ने एक बेटी को गोद लिया जिस बेटी का नाम जानवी है। जी हाँ, क्या करती है जानवी, अब क्या होगा जानवी का, यही गम विद्या सिन्हा को लास्ट वक्त तक सताता रहा। विद्या सिन्हा की खास दोस्त टीना जब उनसे अस्पताल में मुलाकात करने गई थी, तब उन्होंने बस यही कहा था कि वो इस बात से डर रही हैं कि उनके चले जाने के बाद क्या करेंगी जानवी। और जानवी की हम कुछ तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो उनकी माँ विद्या सिन्हा के साथ है। विद्या सिन्हा और टीना यहाँ पर बेहद ही एक खास दोस्त बताई जा रही थी, जहाँ पर टीना से उन्होंने अपनी दिल की बात कही और यही कहा कि मेरी बेटी जानवी का आप ख्याल रखना। लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि किस तरीके से माँ और बेटी में प्यार था। हालांकि जानवी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादा समय कभी भी नहीं देखी गई, लाइमलाइट से वो हमेशा दूर रही,
मगर जिस तरीके से यहाँ पर आखिरी वक्त तक विद्या सिन्हा चिंता में रही कि क्या होगा उनकी बेटी का, तो ये बेहद ही ज्यादा यहाँ पर शॉकिंग भी रहा। बैंक बैलेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ मात्र 5 लाख रुपया विद्या सिन्हा के बैंक बैलेंस में था। यहाँ पर उनके फ्लैट को लेकर विवाद चल रहा है कोर्ट में, जो दूसरे पति ने डाल रखा है, और वो फ्लैट भी वो हड़पना चाहते हैं। एक माँ जो इस गम में चली जाती है कि उनकी बेटी का क्या होगा, तो जरा सोचिए ये कैसी इंडस्ट्री है। चमकती हुई तो दिखाई देती है, मगर कोई भी सामने आकर मदद करने के लिए राजी नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि जानवी का जो सफर रहे अपनी जिंदगी में, वो बेहद ही ज्यादा हिम्मत के साथ गुजारे, और हर जिस जो भी परेशानी उनकी जिंदगी में आए, तमाम ऐसे कोई मसीहा बन के उनकी जिंदगी में आए जो इन तमाम परेशानियों से उन्हें दूर कर सके। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।